ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 8 जुलाई 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाप समान अपकारियों पर भी उपकार करना सीखो। निंदक को भी अपना मित्र बनाओ। प्रश्न है, बाप की कौन सी दृष्टि पक्की है, तुम बच्चों को कौन सी पक्की करनी है? उत्तर है, बाप की दृष्टि पक्की है कि जो भी आत्माएं हैं सब मेरे बच्चे हैं, इसलिए बाबा बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। तुम कभी भी किसी को बच्चे बच्चे नहीं कह सकते हो। तुम्हें यह दृष्टि पक्की करनी है कि ये आत्मा हमारा भाई है, बच्चा नहीं है हमारा लेकिन भाई है। भाई को देखो, भाई से बात करो, तो इससे ही रूहानी प्यार बढ़ेगा। क्रिमिनल ख्यालात भी खत्म हो जाएंगे, निंदा करने वाला भी हमारा मित्र बन जाएगा। ओम शांति। रूहानी बाप समझाते, रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव। वह सबका रूहानी बाप है, उनको ही भगवान कहा जाता है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। यह जो आकाशवाणी कहते हैं, अब आकाशवाणी किसकी निकलती है? आकाशवाणी सांगली केंद्र, कोल्हापुर केंद्र, हमने सुना है टीवी रेडियो में। तो शिव बाबा का, बाबा की आकाशवाणी है परमात्मा की, ब्रह्मा के मुख द्वारा। इस मुख को आकाश तत्व कहा जाता है। आकाश के तत्व से वाणी तो सब मनुष्यों की निकलती है। जो भी सब आत्माएं हैं अपने बाप को भूल गई हैं, अनेक प्रकार के गायन करते रहते, जानते कुछ भी नहीं। गायन भी यहाँ ही करते हैं, सुख में कोई भी बाबा को याद नहीं करते हैं। सभी कामनाएं वहाँ पूरी हो जाती है, कहाँ? सतयुग में। हाँ, तो बाबा कहते हैं यहाँ तो कामनाएं बहुत है, बरसात नहीं होती, यज्ञ रचते हैं। ऐसे नहीं कि सदैव यज्ञ करने से ही बरसात पड़ती है, उसके पीछे भी साइंटिफिक रीज़न है। नहीं, कहाँ, फैमन भी पड़ता है, भले यज्ञ करते हैं, अकाल भी होता है, तभी यज्ञ करते हैं, परंतु यज्ञ करने से कुछ भी नहीं होता नहीं। यह भी ड्रामा है। आपतें जो आनी हो तो आती रहती है। कितने ढेर मनुष्य मरते हैं, कितने जानवर आते मरते हैं, मनुष्य कितने दुखी होते हैं। क्या बरसात को बंद करने के लिए भी यज्ञ है? ऐसा कोई यज्ञ हो तो बताओ। जब एकदम मुसलधार बरसात होगी तो यज्ञ करेंगे क्या? इन सब बातों को अभी तुम बच्चे ही समझते हो, और क्या जाने। बाबा खुद बैठ समझाते हैं, मनुष्य बाप की महिमा करते और गाली भी देते हैं। वंडर है, बाबा की ग्रानी कब से शुरू हुई? जब से रावण राज्य शुरू हुआ, द्वापर युग से। मुख्य ग्रानी कौन सी की है? ईश्वर को सर्वव्यापी कहा है, इसी से गिर पड़ते हैं। गायन है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। अब सबसे जास्ती ग्लानी किसने की है? बाबा की ग्लानी जास्ती किसने की है? बाबा कहते तुम बच्चों ने की है। अब फिर तुम ही मेरे मित्र बने हो। यूँ तो ग्लानी सारी दुनिया ही करती है, उनमें भी नंबर वन तुम हो, फिर तुम ही मित्र बनते हो। सबसे नज़दीक वाले मित्र है बच्चे। बेहद का बाप कहते हमारी निंदा तुम बच्चों ने की है, अपकारी भी तुम बच्चे ही बनते हो। ड्रामा ये कैसा बना हुआ है, यह है ही विचार सागर मंथन करने की बातें। विचार सागर मंथन का अर्थ कितना निकलता है कोई समझ नहीं सकते। बाबा कहते हैं तुम बच्चे पढ़ करके फिर उपकार करते हो। गायन भी है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भारत की बात है, खेल देखो कैसा है। शिव जयंती अथवा शिवरात्रि भी मनाते हैं। वास्तव में अवतार तो है एक, अवतार को भी ठिक्कर भीतर में कह दिया, बाबा उल्लंघना देते हैं। गीता पाठी श्लोक पढ़ते हैं परंतु कहते हैं हमको पता नहीं। तुम ही प्यारे के प्यारे मेरे बच्चे हो। हमने ही निंदा की द्वापर युग से, भगवान को सर्वव्यापी कहा, ग्लानी की, फिर बाबा ने हम बच्चों को ही प्यार किया। कोई से भी बात करेंगे तो बच्चे बच्चे ही कहते रहेंगे। क्यों? क्योंकि शिव बाबा सभी का पिता है।
बाबा की तो ये दृष्टि पक्की है कि ये सभी मेरे बच्चे हैं, सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं, तुम्हारे में से एक भी नहीं होगा जिसके मुख से बच्चा अक्षर निकले। हाँ, छोटे बच्चे को हम बोलेंगे बेटा बेटा कहकर, लेकिन बाबा कहते हैं कि सभी को हम नहीं कह सकते हैं। ये तो जानते हैं कोई किस मर्तबे वाला है क्या है, सब आत्माएं हैं, ये भी ड्रामा बना हुआ है, इसलिए कुछ भी गम खुशी नहीं होती है। जो भी हो रहा है हर बात में बाबा कहते कल्याण ही समाया हुआ है, क्या कल्याण है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन गम खुशी हमें नहीं होती है क्योंकि एक्यूरेट ड्रामा है, परफेक्ट ड्रामा है। सब हमारे बच्चे हैं, कोई ने मेहतर का शरीर धारण किया है, कोई ने डॉक्टर का, कोई ने टीचर का, हर एक का अपना अपना फलाने का शरीर धारण किया। बच्चे कहने की आदत भी पड़ गई है। बाबा की नज़र में सब आत्माएं हैं, उनमें भी गरीब बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों बाबा को गरीब बच्चे अच्छे लगते हैं? क्योंकि ड्रामा अनुसार उन्होंने मेरी बहुत ग्लानी की है, महिमा की है, तो अच्छा लगता है। लेकिन देखो भगवान का दिल कितना बड़ा है, बच्चे क्या भी करे, कितनी भी ग्लानी करे, कुछ भी करे, फिर भी वो रहम दिल प्यार का सागर है, प्यार ही करता है, बस उसको और कुछ पता ही नहीं है। गरीब ने ज़्यादा ग्लानी की है, अब फिर मेरे पास आ गए हैं। सिर्फ यह लक्ष्मी नारायण है जिसकी कभी भी ग्लानी नहीं होती है। देखो पूरे देवी देवताओं में एक लक्ष्मी नारायण ही है जिसकी ग्लानी नहीं है, बाकी श्री कृष्ण की ग्लानी की है या नहीं की है? बहुत की है ना, क्या क्या किए पता है सबको, वंडर है। श्री कृष्ण ही बड़ा बना तो उसकी ग्लानी नहीं की। श्री कृष्ण जब बड़ा होते हैं तो नारायण कहलाते हैं, पूरे विश्व महाराज बनते हैं, कोई ग्लानी नहीं करता। यह ज्ञान भी कितना अटपटा है, अटपटा है, चटपटा है, ऐसी कोई बातें कोई समझ थोड़े ही सकते हैं। इसमें चाहिए सोने का बर्तन, वह याद की यात्रा से ही बन सकता है। यहाँ बैठे भी यथार्थ याद थोड़ी करते हैं, ये नहीं समझते कि हम छोटी सी आत्मा है, याद भी बुद्धि से ही करना है, यह बुद्धि में आता नहीं। छोटी सी आत्मा हुआ हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है, यह बुद्धि में आना भी असंभव हो जाता है। बाबा बाबा तो कहते रहते हैं, देखो किसी भी सत्संग में जाओ तो भगवान हमारा टीचर है, कहीं पर भी आपको ये सुनने सुनाई नहीं देगा, बस इतना कहेंगे हाँ वो हमारा सब कुछ है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, लेकिन टीचर है, गुरु है परमात्मा हमारा, ये नहीं कोई कहता। तो बाबा कहते हैं, बाबा बाबा तो कहते हैं, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में सिमरण करे तो दुख काय को होवे। भगवान वाच है ना, दुख में सब याद करते हैं, सुख में कोई भी याद नहीं करते, और करे ना कोई, दरकार ही नहीं है। सतयुग में भगवान को आने की, सुख देने की, क्योंकि है ही सब सुखी, बाबा के आने की दरकार नहीं। यहाँ तो दुख इतने हैं, आफतें इतनी आती रहती है, सब भगवान को याद करते हैं, हे भगवान रहम करो, कृपा करो, मर्सी ऑन मी। अब भी बच्चे बनते हैं तो भी लिखते हैं, बाबा कृपा करो, शक्ति दो, रहम करो, ये काम है ये काम पूरा करो। बाबा कहते ड्रामा बिल्कुल अच्छा है, एक्यूरेट है, निश्चिंत होकर के, बेफिक्र बादशाह होकर निश्चय बुद्धि विजयंती बनो। बाबा लिखते भी है, शक्ति आपे ही योग बल से ले लो। हमें शक्ति कैसे मिलेगी भगवान से? हम जितना परमात्मा से योग लगाएंगे, उनकी याद करेंगे, उतनी शक्ति मिलेगी। अपने ऊपर कृपा रहम आदि आपे ही करो, मैं नहीं करूँगा, खुद पर खुद ही करो, अपने को आपे ही राज तिलक दो। मैं तो बस युक्ति बताता हूँ कि कैसे तुम अपने आप को राज तिलक दे सकते हो। टीचर पढ़ने की भी युक्ति बताते हैं, स्टूडेंट का काम है पढ़ना और डायरेक्शन पर चलना।
टीचर कोई गुरु थोड़े ही है जो कृपा आशीर्वाद करे। जो अच्छे बच्चे होंगे वो दौड़ेंगे, बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। हर एक स्वतंत्र है, हर एक स्वतंत्र है, जितना दौड़ी लगाए वह लगाए। ये भी है याद की यात्रा। एक एक आत्मा इंडिपेंडेंट है, भाई बहन का नाता भी छुड़ा दिया है। भाई भाई समझो बस, फिर भी क्रिमिनल आय छुटती नहीं है, वो तो अपना काम करती रहती है। आखिर बाबा कहते हैं अपना अपना काम तो करते रहेंगे। ये समय मनुष्यों के अंग सब क्रिमिनल है, किसको लात मारे गुस्सा मारा तो ये भी क्या हुआ ना, क्रिमिनल हुआ। अंग अंग क्रिमिनल है, वहाँ कोई भी अंग क्रिमिनल नहीं होगा। सतयुग में बाबा कहते कोई भी अंग क्रिमिनल नहीं होगा। यहाँ अंग अंग से क्रिमिनल काम करते रहते हैं। सबसे जास्ती क्रिमिनल अंग कौन सा है, कौन सा हमारा ऑर्गन है जिससे बहुत पाप होते हैं? आँखें। विकार की आज पूरी नहीं हुई तो फिर हाथ चलाने लग पड़ते हैं। सबसे जास्ती क्रिमिनल अंग है आँखें। पहले है आँखें, तब सूरदास की भी कहानी है। शिव बाबा को तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, यह रथ पड़ा हुआ है। शिव बाबा को तो ज्ञान का सागर कहा जाता है। ये तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा कोई पुस्तक नहीं उठाते हैं। मैं तो हूँ ही नॉलेज पूल, ज्ञान का सागर, बीज रूप। ये सृष्टि रूपी झाड़ है, उसका रचयिता है बाप, बीज है ना। बाबा समझाते हैं मेरा निवास स्थान मूल वतन में है। अभी मैं इस शरीर में विराजमान हूँ और कोई कह नहीं सकते मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मैं परमपिता परमात्मा हूँ कोई भी कह नहीं सकता है। सेंसिबल कोई अच्छा हो, उनको कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी है तो झट पूछेगा क्या तुम भी ईश्वर हो। हाँ, जो समझदार है, जो कहते ना लोग सब जगह पे भगवान है तो फिर क्या तुम भी ईश्वर हो, क्या तुम ही अल्लाह हो? यदि तुम ही हो तो फिर मंदिर मस्जिद में जाने की दरकार ही क्या है फिर? क्या तुम अल्लाह साई हो ही नहीं सकता। परंतु इस समय कोई सेंसिबल नहीं है, अल्लाह का पता ही नहीं है, खुद ही कहते हैं अल्लाह अकबर, मैं ही अल्लाह हूँ। वह भी इंग्लिश में कहते हैं ओमनी प्रेजेंट, अर्थ समझते तो कुछ भी नहीं। बच्चे जानते हैं शिव बाबा की जयंती सो नए विश्व की जयंती, उसमें पवित्रता सुख शांति सब आ जाता है। शिव जयंती सो श्री कृष्ण जयंती सो दशहरा जयंती, हमेशा बाबा गीता जयंती कृष्ण जयंती कहते, आज बाबा दशहरा जयंती कह रहे हैं। शिव जयंती सो दीपमाला जयंती, शिव जयंती सो स्वर्ग जयंती, सब जयंतियाँ आ जाती है। ये सब नई बातें बाबा समझाते। शिव जयंती सो शिवालय जयंती, शिवालय की जयंती होती है तो वैशालय मरंती। बाबा कितनी अच्छी संस्कृत बोल रहे थे, देखो वैशालय मरंती। सब नई बातें बैठ समझाते हैं। शिव जयंती सो नए विश्व की जयंती, चाहते हैं ना विश्व में शांति हो। तुम कितना भी अच्छी रीति समझाते हो जगते ही नहीं हैं, अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं ना। भक्ति करके सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। बाबा कहते मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ, स्वर्ग और नर्क का राज तुम बच्चों को ही समझाता हूँ। भक्ति करते करते सीढ़ी नीचे ही उतरते आए हो। बाबा कहते मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ, स्वर्ग और नर्क का राज भी तुम बच्चों को समझाते। अखबारें जो तुम्हारी ग्लानी करते हैं उनको लिख देना चाहिए, जो हमारी ग्लानी करते हैं उनको क्या लिखना है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। तुम्हारी भी सदगति हम जरूर करेंगे, जितनी चाहिए उतनी गाली दे दो। बाबा कहते उनको भी खुश कर दो। ईश्वर की ग्लानी करते हैं हमारी की तो क्या हुआ, तुम्हारी सदगति हम जरूर करेंगे, अपकारी पर भी उपकार जरूर करेंगे, नहीं चाहेंगे तो भी नाक से पकड़ करके ले जाएंगे। आपको सदगति नहीं चाहिए तो आपको हम नाक से पकड़ करके भी सुख दे देंगे, डरने की कोई बात नहीं। जो कुछ करते कल्प पहले भी किया है,
हम पीके तो सबकी सदगति करेंगे, अच्छी तरह से समझाना चाहिए। अबलाओं पर अत्याचार तो कल्प पहले भी हुआ था, यह बच्चे भूल जाते हैं। बाबा कहते बेहद के बच्चे सब हमारी ग्लानी करते हैं, सबसे प्यारे मित्र बच्चे ही बन लगते हैं। बच्चे तो फूल होते हैं, बच्चों को माँ बाप चुम्बन करते हैं, माथे पर चढ़ाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। बाबा भी तुम बच्चों की सेवा करते हैं। अभी तुमको यह नॉलेज मिली है जो तुम साथ ले जाते हो, जो नहीं लेते उनका भी ड्रामा में पार्ट है, वही पार्ट बजाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर घर ले जाते हैं, स्वर्ग तो देख न सके, सब थोड़े ही स्वर्ग देखेंगे, यह भी ड्रामा बना हुआ है। पाप खूब करते हैं, देखो आएंगे भी देरी से, तमो प्रधान बहुत देरी से आएंगे, सतयुग त्रेता में सतो प्रधान ही आएंगे, सतोगुण ही आएंगे। ये राज भी बहुत अच्छा समझने का है, अच्छे अच्छे महारथी बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती है तो झट गुस्सा आ जाता है, फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते। बाबा भी कहते हैं उनकी मुरली बंद कर दो, देखो जो नहीं आते हैं उनकी मुरली बंद कर दो। ऐसे को बाप का खजाना देने से फायदा ही क्या है, फिर कोई आंखें खुले तो कहेंगे भूल हुई, कोई तो परवाह ही नहीं करते हैं, इतनी गफलत नहीं करनी चाहिए। ऐसे बहुत ढेर है, बाबा को याद भी नहीं करते, कोई को आप समान भी नहीं बनाते, नहीं तो बाबा को लिखना चाहिए, बाबा हम हर दम आपको याद करते हैं। कई तो फिर ऐसे हैं जो सबका नाम लिख देते हैं, फलाने को याद देना, फलाने को याद देना, मधुबनी वैसे उनको याद देना, सबको याद देना। बाबा कहते यह याद सच्ची थोड़ी है, झूठ यहाँ चल न सके, अंदर तो दिल खाती रहती है। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत अच्छे अच्छे समझाते हैं, दिन प्रतिदिन बाबा गुहे बातें समझाते, दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। सतयुग में दुख का नाम नहीं, अभी है रावण राज्य, मैसूर का राजा भी रावण आदि बनाकर दशहरा बहुत मनाते हैं, बहुत बड़ा वो फेस्टिवल मनाते हैं। राम को भी भगवान कहते हैं, राम की सीता चोरी हुई है ऐसे भी कहते हैं, अरे वो तो सर्वशक्तिवान ठहरा ना, फिर उसकी सीता चोरी कैसे हो सकती है। ये सब है अंधश्रद्धा, ये समय हर एक में पांच विकारों की गंदगी है। फिर भगवान को सर्वव्यापी कहना ये बहुत बड़ा झूठ है, तब तो बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मश ग्लानिर्भवती भारत, मैं आकर सचखंड सच्चा धर्म स्थापन करता हूँ। सचखंड सतयुग को और झूठखंड कलयुग को कहा जाता है, अभी बाप झूठखंड को सचखंड बनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस गुह्य व अटपटे ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि को याद की यात्रा से सोने का बर्तन बनाना है, याद की रेस करनी है, बाबा के डायरेक्शन पर चलकर पढ़ाई को ध्यान से पढ़कर अपने ऊपर आप ही कृपा या आशीर्वाद करनी है। अपने को राज तिलक देना है, निंदक को अपना मित्र समझ उनकी भी सद्गति करनी है। वरदान ऊपर से अवतरित हो, अवतार बन सेवा करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव, जैसे बाप सेवा के लिए वतन से नीचे आते हैं, हम भी सेवा के प्रति वतन से नीचे आए हैं, ऐसा अनुभव करो तो सदा न्यारे और बाप समान विश्व के प्यारे बन जाएंगे। ऊपर से नीचे आना माना अवतार बन अवतरित होकर के सेवा करना, सभी चाहते हैं अवतार आए और हमको साथ ले जाएं, तो सच्चे अवतार आप हो जो सबको मुक्ति धाम में साथ ले जाएंगे। जब अवतार समझ करके सेवा करेंगे तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे और सबकी अनेकों की इच्छाएं भी पूरी कर सकेंगे। स्लोगन, आपको कोई अच्छा दे या बुरा दे, आप सबको स्नेह दो, सहयोग दो, रहम करो, तो ऐसे ऊपर से अवतरित हो अवतार बन सेवा करने वाले साक्षात्कार मूर्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।